ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत।
में होने वाली गांठ है जो कैंसर्स भी हो सकती है और नॉन कैंसर्स भी। आज चिकित्सा के क्षेत्र में हुई टेक्निकी विकास के कारण विभिन्न जांचों की सहायता से इसकी सही स्थिति का अनुमान सहज लगाना संभव है। साथ ही सर्जरी की आधुनिक विधियों से इसका पूरा उपचार भी संभव है। माइग्रेन भी है लक्षण। माइग्रेन भी ब्रेन ट्यूमर के प्रारंभिक लक्षणों में से एक हो सकता है, हालांकि यह पुरुषों से अधिक महिलाओं में होता है। माइग्रेन अटैक यदि महीने में 4 या 5 बार आता है तो अटैक के पैटर्न में कोई बदलाव नजर आता है तो यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। अंत तुरंत डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन व एमआरआई आदि जांच कराएं ताकि सही कारणों का पता लग सके और समय रहते इलाज शुरू हो सके। जेनेटिक भी संभव। यदि परिवार में किसी को पहले से ब्रेन ट्यूमर है तो परिवार के अन्य सदस्यों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्भावस्था में भी कुछ टेस्टों की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को कौन सी बीमारी है। गर्भ में ही इन बीमारियों का इलाज भी संभव है। अंत आप पहले से ही सावधानी बरते एंडोस्कोपिक सर्जरी है कारगर। अब ब्रेन ट्यूमर जानलेवा बीमारी नहीं रह गई है क्योंकि वर्तमान में ब्रेन ट्यूमर का संपूर्ण इलाज संभव है, बशर्ते टाइम पर उपचार शुरू किया जाए। चिकित्सक बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए कई टेक्निकें इजाद हो चुकी है, जिनमें रेडियो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी प्रमुख है। इन टेक्निकों से ब्रेन ट्यूमर का इलाज काफी सुरक्षित और कारगर माना गया है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित एंडोस्कोपिक सर्जरी है। यह सर्जरी कष्टरहित तो है ही, साथ ही इसके परिणाम भी अन्य सर्जरी से काफी बेहतर आते हैं। सीटी स्कैन के प्रभाव। ब्रेन कैंसर कितना बढ़ गया है या उसकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और एंजियोग्राम की मदद ली जाती है। ट्यूमर की शंका होने पर सबसे पहले सीटी स्कैन की जाती है। सीटी स्कैन के नाम पर लोगों के जहन में यह बात उठने लगती है कि सीटी स्कैन तो शरीर पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है, इससे निकलने वाली घातक किरणों से कैंसर होने तक का खतरा हो सकता है। हाल में हुए शोधों में भी यह साबित हो चुका है। इसके प्रभाव को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसके लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। सीटी स्कैन एक कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन है जो एक्सरे की सीरीज है जिसके जरिए ब्रेन के हिस्सों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रेन के ढांचे को अच्छी तरह से जांचने के लिए उड़ी तस्वीरों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ब्रेन कैंसर के दौरान सीटी स्कैन करने के नुकसान बहुत कम है, फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स को हो सकते हैं, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में खुजली होना, लाल रैशेस पड़ना आदि। सावधानी बरतें। इस रोग में अपने खान पान का ध्यान रखना भी जरूरी है। वजन को नियंत्रित रखें। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके कारण शरीर के अन्य हिस्सों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके दौरान दिमाग पर सूजन होना भी आम बात है। अतः ट्रीटमेंट के दौरान भी सावधानी बरतें। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।
यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। तेरी साथ।
प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, सत से मनुष्य बहक जाए और अंधेरे में टटोलता रहे, इसलिए इस संसार का अधिपति शैतान प्रारंभ से काम कर रहा है। हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, फिर भी हम सत्य के लिए भटक रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, हे पिता, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले उसने आदम से कहा, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। परंतु शैतान ने हवा को बिल्कुल उल्टा बताया। उसने उससे कहा, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भरे बुरे का ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 2:5। मनुष्य बहुत देर से समझा कि तब परमेश्वर के वचन सच्चे थे, क्योंकि वो पाप में बहुत डूब गया था और पाप का परिणाम मृत्यु था। आज वही शैतान हमें धोखा देने का काम बड़ी सरलता से कर रहा है। वो मनुष्य के सामने बड़ी बड़ी योजनाएं रख रहा है और प्रलोभन दिखा रहा है। वो मनुष्य को परमेश्वर के कामों से दूर खींच रहा है। मरुभूमि में जल पानी के पीछे मनुष्य पागल सा दौड़ता है, क्योंकि वो प्यासा है। परंतु वो कितना भी चलता रहे उसे पानी नहीं मिलता। आज मनुष्य की हालत भी वैसी ही है। भौतिक सुख पाने के लिए वो परमेश्वर और उसके वचनों से बहुत दूर हो गया है। घर में बाइबल मैले कुचेले कपड़े में लिपटी है। पढ़ने के लिए उसके पास समय नहीं है, ना ही प्रार्थना करने के लिए समय है। हमारे सामने एक ध्येय है, केवल अपनी महान कांक्षाओं को पूरा करने की। पवित्र आत्मा कितने स्पष्ट रूप से कहता है, तुम जब कहते हो कि आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। यूहन्ना 4:13-17। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य को संसार के नष्ट होने वाले बेबे में फंसा कर रखना शैतान का सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो संसार का उद्धार करने के लिए आया, उस यीशु को भी उसने लालच दिखाया। वचन बताता है कि फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मत्ती 4:8-9। आज यही सब हो रहा है। मनुष्य शैतान के सामने गिरकर उसे नमन कर रहा है, इसलिए वो संसार के वैभव में डूब गया है।
और अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया, उसके सब वचन, आज्ञा और प्रतिज्ञाएं उसे पता नहीं, इन्हें जानने की वो जरूरत भी महसूस नहीं करता है। यीशु ने कहा है कि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लूका 4:7। मनुष्य दिन रात इस संसार की चीजों में मगन है, वो खुद की तारीफ और स्थिति में मगन है, वो बड़े बड़े दावों से खुद की पीठ थपथपाता रहा है। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर कह रहा है, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। परमेश्वर के वचन का यह सत्य क्या हमें समझ में आता है? सच में हम कितने अल्पजीवी हैं, कितने थोड़े समय हम इस ग्रह को ग्रह पर रहते हैं, आने वाले कल की हम नहीं समझते, फिर भी हम बड़े बड़े दावे करते हैं और संसार के वैभव के विषय में बोलते रहते हैं। ये जीवन क्या है? ये हमें किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? इसका हम किस प्रकार सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं? इस पर क्या हम कभी सोचते हैं? संसार का वैभव प्राप्त करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वो तो एक दिन नष्ट होने वाला है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, 1 पत्रस 1:24। मित्रों, हम इस दुनिया में एक घास की नाई है, आज है कल नहीं है, तो हम क्यों घमंड करें? हम क्यों परमेश्वर से दूर हो और शैतान की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करें? मित्रों, फैसला आपके पास है कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देंगे। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज तेरे पास आते हैं, हम विश्वास करते प्रभु कि तू हमको बचाना चाहता है, और परमेश्वर तू हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है। आज हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे अंदर जो घमंड है उसे तू खत्म कर, हमारी आंखों को खोल ताकि हम तुझे समझ सके, तेरे वचनों को पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपने समस्याओं को बता सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, उदास हैं, तो मुझे फोन करें। मैं उन हर एक श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे फोन किया है। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। Oh, oh, oh.
श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।